बाबा वैद्यनाथ धाम की महिमा किसी से छुपी नहीं है। बाबा वैद्यनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। इसे कामना ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ मांगी गई सारी मुरादें झट से पूरी होती हैं। ऐसे में सावन भर बाबा से अपनी मुरादें मांगने के लिए देश विदेश से करोड़ों कांवड़िया सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर बाबा के दरबार पहुँचते हैं। वह 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी कर बाबा का जल अभिषेक कर अपनी मुरादी मांगते हैं। इस बार एक महिला अपने पति की आयु की मुराद लेकर बाबा के दरबार में सुल्तानगंज से दंड देते हुए जा रही है। बता दें कि उनका पति बीमार था, बचने की उम्मीद नहीं थी। महादेव से मन्नत मांगी कि दंड देते हुए सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम जाएंगी और अब सावन में दंड देते हुए वैद्यनाथ धाम की यात्रा पर निकली है। कहानी बिहार शरीफ के सुधा सिन्हा की है। सुधा सिन्हा पहली बार साष्टांग दंडवत होते हुए वैद्यनाथ धाम जा रही हैं। उनके साथ उनके पति भी हैं। 4 जुलाई को सुधा सिन्हा ने सुल्तानगंज में जल भरा था। अभी तक उन्होंने 105 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। वह कच्ची कांवड़िया पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। दरअसल सुधा के पति नरेश सिन्हा को हिपेटाइटिस बी हो गया था। लगातार वह बीमार रह रहे थे। डॉक्टर ने उनके नहीं बचने की आशंका जताई थी। इसके बाद सुधा ने भोलेनाथ से मन्नत मांगी, उनके पति अगर स्वस्थ होते हैं तो वह दंड देते हुए वैद्यनाथ धाम जाएगी। इसके बाद इस साल सावन में सुधा सिंह यात्रा पर निकली। सुधा के पति नरेश अपनी पत्नी को मिसाल मानते हैं। नरेश कहते हैं कि उसके बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन महादेव से उनकी पत्नी ने कामना की और महादेव ने उनकी सुनी और कामना पूरी कर दी। आपको बता दें कि सावन के महीने में खासकर महादेव को रिझाने के लिए 3 तरह के कांवड़िया श्रद्धालु सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम जाते हैं। एक सामान्य बम होते हैं, एक डाक बम होते हैं, तो एक डंडी बम। सबसे कष्टप्रद यात्रा डंडी बम की होती है। यह डंडी बम 1.5 से 2 महीने में वैद्यनाथ धाम